हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस, जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस। इन तीनों को सब्सक्राइब बटन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, जाइए और इसको भी आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, आपको लेसन इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज रेक्टिफायर एंड हाउ वर्क्स रेक्टिफायर। तो आज हमारी इस वीडियो में मैं आज आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताई वो उसका ओवरव्यू था, SMPS का ओवरव्यू था, ACDB था, DCDB था, पर ये जो वीडियो है ये सबसे इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो आज हमारा जो टॉपिक है रेक्टिफायर के बारे में, तो जैसा कि है रेक्टिफायर का आपको पता ही है वो क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, वो DC में कन्वर्ट करता है, ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा है। बट आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताऊंगा कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो कैसे AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तीन रेक्टिफायर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, चौथा पोर्ट खाली है। तो हमारे जो तीन रेक्टिफायर है उसमें से मैं आपको एक रिमूव करा के दिखा रहा हूँ कैसे वो करता है। जैसा कि ये क्या है, हमारा रेक्टिफायर है ये 4000 किलोवाट का रेक्टिफायर है, जो इसकी कैपेसिटी है। तो जैसा कि ये देखिए, ये लगे हुए हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे AC सप्लाई आती है हमारी, ये क्या करता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से जो AC सप्लाई इनपुट पे आती है, जो पीछे इसका स्लॉट लगा हुआ है, और उसके बाद क्या है, यहाँ से हमारी DC सप्लाई निकल रही है, जो हमारी पल्सेटिंग DC है, प्योर DC। तो क्या हुआ, यहाँ से जो DC निकलती है वो हमारे पीछे जो बस बार लगे हुए हैं उस पर जाती है, और उस पर जाके हमारे क्या है DCDB पे जाती है। तो ये था इसका जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये रेक्टिफायर ये है, ये तीन क्यों यहाँ पे लगाए हुए हैं, रेक्टिफायर यहाँ पे तीन इसलिए लगाए हुए क्योंकि हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम 16 किलोवाट का है, और आप ही सोच सकते हैं कि 16 किलोवाट में अगर हम एक रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तो वो कभी नहीं काम करेगा, वो लोड ज़्यादा लेगा और वो बर्न भी हो सकता है, जल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे तीन रेक्टिफायर लगे हुए हैं ताकि हमारा हर रेक्टिफायर पे लोड इक्वली वो अपनी वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करे, ताकि हमें जो है DC अच्छी तरीके से प्योर DC मिल सके और हमारे लोड तक जा सके। तो रेक्टिफायर में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फैन लगा हुआ है, फैन किसके लिए लगा हुआ है, ये हमारी जो अंदर हीट होती है, हीटअप को बाहर निकालने के लिए हमारा ये फैन लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे ये देखिए कम्युनिकेशन ओके, इनपुट आउटपुट और 100%, ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या किसके लिए है, कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन की लाइट ब्लिंक कर रही है तो हमारा ये रेक्टिफायर है प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहा है किसके साथ, हमारे ओरियन के साथ, और हमारे ओरियन में प्रॉपरली शो करेगा। ओरियन क्या है, ओरियन हमारी स्क्रीन है जहाँ पे हम पैरामीटर पे सारा कुछ स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे इस साइट पे कितने रेक्टिफायर वर्क कर रहे हैं और हमारा एक रेक्टिफायर कितना लोड ले रहा है, कितनी आउटपुट दे रहा है, कितनी इनपुट ले रहा है और कितनी वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर रहा है। ये सभी चीज़ें हमारे वहाँ पे स्टेटस पे सभी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो यहाँ मैं आपके बारे में, यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तो हमारी यहाँ पे कम्युनिकेशन की लाइट ब्लिंक कर रही है तो हमें पता है कि हमारी जो ये रेक्टिफायर है प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कम्युनिकेट हो रहे हैं। और उसके बाद हमारी ओके की बात आती है, ओके में क्या है, ये इसका स्टेटस बताता है कि हमारा ये रेक्टिफायर है जो वर्किंग में भी ओके है। ये देखिए ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, तो क्या है, ये वर्किंग में भी ओके है। और उसके बाद हमारा जो ये इनपुट आउटपुट है, जो अगर यहाँ देखिए ये इसका क्या है लोड है, कितने परसेंट है, 10%, 20%, 30%, ऐसे 100% तक इसका लोड है। ये जितनी इसकी LED है वो मतलब चलती जाएगी, मतलब ब्लिंक होती जाएगी, तो उसका मतलब है कि वो उतने परसेंट लोड ले रहा है। अभी ये 30 और 40 के बीच ये दो रेक्टिफायर है इक्वली अपना लोड डिवाइड कर रहे हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टिफायर निकाल देता हूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक रेक्टिफायर निकाल दूंगा तो देखना, हमारा ये रेक्टिफायर है जो ये ज़्यादा लोड लेने लग जाएगा। ये देखिए जो हमारा ये है रेक्टिफायर है, ये थोड़ी थोड़ी इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब फीकी सी है थोड़ी सी,
और यहाँ पे देखिए ये 90% के करीब ये लोड ले रहा है, ये अकेला रेक्टिफायर 90% के करीब लोड ले रहा है। अगर मैं इस रेक्टिफायर को अब लगा रहा हूँ, जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि मैं इस रेक्टिफायर को मैंने लगा दिया है, अभी ये वर्क करेगा, जैसे ये देखिए ओके हो गया, ये देखिए अभी इसकी लाइट क्या होगी, बंद हो गई है और यहाँ पे लाइट जग गई है, मतलब दोनों के बराबर इक्वली लोड आने लग गया है। तो जो इसने पूरा लोड ले रखा था 90% पे, वो इसका लोड अभी कम हो गया है एक रेक्टिफायर का, जैसे 30% हो गया है। अभी मैं एक और रेक्टिफायर लगाऊंगा तो इन तीनों रेक्टिफायर में प्रॉपर लोड आने लग जाएगा और ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। ये देखिए हमारे तीनों रेक्टिफायर अभी काम कर रहे हैं और ये देखिए तीनों पे जो लोड है वो इक्वली वर्क कर रहा है। ये देखिए तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि हमारे जो ये रेक्टिफायर है, तीन क्यों लगाए गए हैं, एक ही रेक्टिफायर क्यों नहीं लगाया गया साइड पे। तो यहाँ पे मैंने आपको रेक्टिफायर के बारे में बताया, उसकी वर्किंग के बारे में बताया, तो अब मैं बताऊँगा कि जो हमारा ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर कितने से कितने वोल्ट तक, ये हमारा रेक्टिफायर है 48 से 56 वोल्ट डीसी तक कन्वर्ट करता है। जो हमारा एसी सप्लाई लेता है 230 वोल्ट एसी और 48 वोल्ट से 56 वोल्ट तक ये डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जैसा कि मैं आज आपको ये देखिए, और मैक्सिमम जो इसका करंट होता है वो 24 एम्पेयर का होता है। 24 एम्पेयर से अगर आप इसको ज़्यादा करंट देंगे अकेले रेक्टिफायर को, तो ये रेक्टिफायर बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 24 एम्पेयर है, ये देखिए। और ये हमारी जो इंडिया की फ्रिक्वेंसी है 50 से 60 हर्ट्ज तक, ये इस पर वर्क करता है, ये देखिए। ये एक रेक्टिफायर है जो मैक्सिमम 4000 वाट का है, 4000 वाट का मतलब ये रेक्टिफायर है। तो ये थी एक रेक्टिफायर की जो मैंने आपको वर्किंग और इसके बारे में बताया कि जैसा एक रेक्टिफायर हमारी साइट पर कैसे काम करता है। तो हमारे देखिए, जैसा मैंने आपको डीसीडी में बताया था कि हमारी यहाँ पे एसी आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है, और ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। डीसी में कन्वर्ट करके हमारे इस जो लोड लगे हुए हैं हमारे वहाँ पे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अगली बार आपके लिए एक और अच्छी नई वीडियो लेके आऊँ, जिसकी सहायता से आप मतलब नॉलेज मिलती रहे, आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।